नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को पता है आज क्या होने वाला है? ओहो, मैं तो भूल ही गया। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ। देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तभी तो समझोगे। कितनी सुंदर अप्सरा है। हाय हाय, ये तो बहुत गर्म है। आई, अरे वो अप्सरा कहाँ चली गई? तो ये बात है महाराज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस तालाब और अप्सरा के रहस्य को सुलझाएं। चलो मुंजा। चलिए। महाराज, हमें यहाँ आए काफी समय हो चुका है, लेकिन कोई अप्सरा तो दूर, यहाँ कोई मक्खी तक दिखाई नहीं दे रही है। अरे अरे रुक। मुंजा, वो देखो। चलो मुंजा, वो अप्सरा कहीं चली ना जाए। चलो। रुकिए महाराज, ये पानी बहुत गर्म है, इसमें जाने के लिए हमें सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल करना होगा। मुंजा जल्दी चलो। देवी, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? चले जाओ, आप लोग यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। महाराज विक्रम के होते हुए कुछ बुरा नहीं हो सकता। आप अपनी परेशानी बताइए देवी। मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। एक समुद्री राक्षस भीमबासुर ने हमारे राज्य पर कब्जा करके मेरे पिता को किसी गुप्त जगह पर कैद कर रखा है। ओह, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो राक्षस मुझसे विवाह करना चाहता है और मैं उससे बचकर यहाँ इस तालाब में छिप कर रहती हूँ, और रोज इसी समय मैं अपने पिताजी की खोज में जाती हूँ। आप दुखी मत होइए देवी, हम आपकी रक्षा करेंगे। पहले अपने प्राणों की रक्षा तो करो। मैं हूँ भीमबासुर, मुझसे डरो। तो ये है वो राक्षस। ठहर, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। Yeah.
ये क्या मुंजा? महाराज, हमें उस जगह को ढूंढना है जहाँ समुद्री राजा कैद हैं, और ये बात इसके सिवा और कोई नहीं जानता। हमें माफ कर दो, हम हथियार नीचे रखकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। ये हुई ना बात, वैसे भी मुझे गुलामों की जरूरत थी। चलो राजकुमारी को साथ में ले चलो। राक्षस महाराज, वैसे आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? हमारे घर, वहाँ पर आज हम इस राजकुमारी से शादी करेंगे, समझे? अरे वाह राक्षस महाराज, विवाह में तो बहुत मिठाइयाँ होंगी ना? हाँ, मिठाइयाँ भी हैं और ढेर सारे पकवान भी। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। मेरी शादी होगी, हाय ये सारी दुनिया सज जाए। लगता है यही है वो जगह जहां इसने राजा को कैद कर रखा है। सिपाहियों, जाओ और इन दोनों को उस बुड्ढे राजा के पास कैद कर दो और इस राजकुमारी को विवाह मंडप की ओर ले चलो। मेरी शादी होगी, खाना आबादी होगी। तो ये है वो जगह जहां राजा को कैद किया हुआ है। कौन कौन हो तुम लोग? महाराज, मेरा नाम राजा विक्रम है। क्या? और हम यहाँ आए हैं आपको इस कैद से छुड़ाने के लिए, और ये है आपकी बेटी। बेटी, तुम यहाँ क्यों आई? वो राक्षस तुम्हें यहाँ देखेगा तो तुमसे विवाह करने की जिद करने लगेगा। महाराज, उसका विवाह तो वहाँ हो रहा है। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। हाँ हाँ, और नाच लो। हाँ? लेकिन जरा अपनी दुल्हन को तो एक बार देख लो। हाँ। क्या हुआ? मेरी दुल्हन खो गई। डरिए मत राक्षस महाराज, आपकी शादी अभी कराते हैं हम। मेरी शादी होगी। मैं हूँ बिंबासुर, कर दूंगा सबको चकनाचूर, रहो तुम सब मुझसे दूर। महाराज, अब आप निश्चिंत रहिए, राक्षस अब अंतरिक्ष में पहुंच गया होगा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या?
निश्चिंत? निश्चिंत कैसे हो सकता हूँ मैं महाराज विक्रम? जब तक मेरी बेटी की शादी ना हो जाए कैसी ये निश्चिंतता? देखा कैसे हमारे महाराज ने उस ब्राह्मण और अप्सरा की शादी करा दी। अरे इसी को तो कहते हैं समझदारी।